हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्लांट सेल का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसका क्या फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से मॉडल दिए गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन, इसके बारे में आप आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे? डिटेल डिस्कशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो डिस्कशन है उसे देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया, यूनिट मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया। कहने का मतलब, सेल मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया, यूनिट मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया, ये आपको किसी एक बुक में सभी पॉइंट नहीं मिलेंगे कि सेल मेम्ब्रेन किसने दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया, यूनिट मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया, मॉडल सेल मेम्ब्रेन के मॉडल कौन से हैं, फंक्शन क्या है एंड कंपोजिशन क्या है सेल मेम्ब्रेन का। देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, पहली बात आप समझिए सेल मेम्ब्रेन है क्या। ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के सबसे ऊपरी कवरिंग लेयर को कहते हैं सेल वॉल। ये हुई सेल वॉल। सेल वॉल जो सेकेंड लेयर होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे कौन कौन से अदर नेम से जानते हैं ये भी हम देखेंगे। तो डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सेल वॉल के जस्ट जो परत पाई जाती है, जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहती है, ये बाहर की जो सराउंडिंग बाउंड्री है या बाहर का जो भी मॉलिक्यूल्स है उसे अंदर आने के लिए एक चैनल प्रदान करवाती है। क्या चैनल? चैनल रास्ता मॉलिक्यूल्स। इसमें रिसेप्टर पाए जाते हैं, रिसेप्टर जो किसी मॉलिक्यूल्स को ग्रहण करते हैं, रिसेप्टर होते हैं। इसमें चैनल पाया जाता है इसमें, और ये एक सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। ये फिजिकल एंड केमिकल बाउंड्री है किसकी, सेल की। फिजिकल कौन सी, फिजिकल एंड केमिकल बाउंड्रीज ऑफ सेल। जितने भी आपके सेल मेम्ब्रेन, जो भी सेलुलर मेम्ब्रेन होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन। कहने का मतलब ये है कि जो ये कोई भी सेल है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है एंड इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स मान के चलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी पास जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं ऑर्गेनल मेम्ब्रेन, जिसे दो पार्ट में हम डिस्कस करते हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। वो सभी मेम्ब्रेन बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब लिपिड की दो लेयर से मिलकर बनी होती है। बात समझ गए होंगे, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर मान के चले ये माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनल्स है, एक अंगक है, कोशिकांग है। कोशिकांग में जो लेयर पाई जाती है उसे ऑर्गेनल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑर्गेनल मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। देखते हैं, तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, फिजिकल एंड केमिकल बाउंड्रीज है किसकी, सेल की। इसमें सेलुलर मेम्ब्रेन एंड जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है सेल की, जो सेलुलर मेम्ब्रेन एंड आपकी जो ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन जो होती है, वो दोनों कोई भी सेल की मेम्ब्रेन हो या ऑर्गेनेल कोशिकांग की मेम्ब्रेन हो, उसमें लिपिड्स की दो लेयर पाई जाती हैं। अदर नेम, इसके जो अदर नेम है, बायो मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे लिविंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप समझ गए होंगे, बायो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के ही अदर नेम है, आगे डिस्कस कर रहे हैं हम। देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नगेली एंड क्रेमर ने दिया था। सेल मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया, नगेली एंड क्रेमर ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया, जे क्यू प्लो ने दिया, जे क्यू प्लो। प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया, जे क्यू प्लो ने दिया। आप याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन शब्द नगेली ने एंड क्रेमर, नगेली एंड क्रेमर ने दिया। प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द दिया जे क्यू प्लो ने। यूनिट मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया, रॉबर्टसन ने। यूनिट मेम्ब्रेन टर्म गिवन बाय रॉबर्टसन, सेल मेम्ब्रेन टर्म गिवन बाय नगेली एंड क्रेमर, प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म गिवन बाय जे क्यू प्लो। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम देखते हैं कंपोजिशन। मान लीजिए ये हमारी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या, किस किस, इसका क्या, कौन कौन से इसमें कंपोजिशन होते हैं, इसका संगठन क्या है, हिंदी में आप कह सकते हैं संगठन, संगठन जो इसका संगठन है, कंपोजिशन है, वो किस किस से मिलकर बना हुआ है। पहला है लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसे याद में रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट माइनर, कुछ मात्रा में ही होता है, मेजर प्रोटीन ये होती है, प्रोटीन मेजर माइनर में होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, वो या तो प्रोटीन के साथ मिलकर होगी या तो लिपिड के साथ मिलकर पाई जाएगी। प्रोटीन के साथ जब होगी, ग्लाइको मीन्स, ऐसे समझ सकते हैं आप, ग्लाइको मीन्स होता है कार्बो सैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट के लिए कुछ शब्द यूज करते हैं उसे यूज करते हैं हम ग्लाइको, ग्लाइको। तो ग्लाइको जब प्रोटीन के साथ जब ये एसोसिएट होगा, ये प्रोटीन के साथ मिल रहा होगा, उस समय उसे कहेंगे ग्लाइको प्रोटीन। जब ये लिपिड के साथ होगा उसे कहेंगे ग्लाइको लिपिड। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मीन्स लिपिड। तो ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ तो ग्लाइकोलिपिड, जब प्रोटीन के साथ तो ग्लाइको प्रोटीन। अब हम समझ लेते हैं कौन कौन सी लिपिड इसमें पाई जाती है, इसे रफ कर लेते हैं। इसमें जो लिपिड होती है पहला आप देख लें फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, तीसरा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, इसी को कहते हैं स्टेरॉल। ये आप याद में रखिएगा। लिपिड इसमें तीन टाइप की लिपिड पाई जाती हैं, पहला फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉल। ये क्या करता है स्टेरॉल, ये स्टेबिलिटी देता है, स्टेबिलिटी किसको, सेल मेम्ब्रेन को। मैं प्रीवियस वीडियो में ये बता चुका हूँ, इस पर स्टेबिलिटी देता है, स्थिरता प्रदान करवाता है। जो स्टेरॉल पाया जाता है वो लिक्विड, जो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसे क्या करता है, स्थिरता प्रदान करवाता है, स्टेबिलिटी देता है स्टेरॉल, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एनिमल में, एनिमल में स्टेबिलिटी का वर्क करता है। एंड जो हमारा अर्गेस्टेरॉल होता है, अर्गेस्टेरॉल ये हमारा वर्क करता है प्लांट में, याद में रखिएगा। अब आते हैं प्रोटीन,
प्रोटीन दो, इसमें दो प्रकार की प्रोटीन होती हैं, एक होती है इंटेग्रल इंटेग्रल प्रोटीन, दूसरी होती है पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन, इंटेग्रल एंड इंटेग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन, ये कैसी प्रोटीन है इसे हम आगे देखेंगे। इंटेग्रल के क्या अदर नेम है, पेरिफेरल के क्या अदर नेम है, आप ध्यान में रखिएगा। लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन, इंटेग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से, जब ये एसोसिएट होगा किसके साथ, लिपिड के साथ, तो इसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, और जब ये एसोसिएट होगा प्रोटीन के साथ तो कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट अलग से नहीं पाया जाता, कार्बोहाइड्रेट जो सेल मेम्ब्रेन में होता है वो एसोसिएट रहता है किसके साथ, या तो लिपिड के साथ या तो प्रोटीन के साथ। हमने पढ़ लिया कंपोजिशन, पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया, यूनिट मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया, हमने ये पढ़ा है नगेलियन क्रेमर ने सेल मेम्ब्रेन शब्द दिया, जे क्यू प्लो ने प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द दिया, यूनिट मेम्ब्रेन शब्द रॉबर्टसन ने दिया, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन क्या, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोच के देखिए, आखिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कुछ सेल में क्या वर्क है, सेल के लिए ये क्यों जरूरी है। तो पहला ये है, ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट, अब ये इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, सेपरेशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल, मतलब सेल के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं, ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर जो प्रोसेस चल रही है वो एनवायरनमेंट से, बाहर के सराउंडिंग एरिया से, या बाहर के जो उसका बाहर का एनवायरनमेंट है, सेल के बाहर का जो है उससे ये सेल इफेक्ट ना हो, सेल की जो प्रोसेस है, जो सेल की प्रोसेस है वो बाहर के या सराउंडिंग एरिया से क्या ना हो, इफेक्ट ना हो, जो सेल की अंदर का जो एनवायरनमेंट है, सेल के अंदर की जो प्रोसेस है वो बाहर के सराउंडिंग एरिया से इफेक्ट ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेपरेट करती है किससे, सराउंडिंग एरिया से सेपरेट करती है, अलग करती है। पहला ये सेपरेशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल फ्रॉम सराउंडिंग एरिया, दूसरा प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, एज अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन वर्क करती है, बिल्कुल सही, आप समझ पा रहे होंगे प्रोटेक्टिव क्यों, प्रोटेक्ट करती है सेल को, प्रोटेक्ट करती है सराउंडिंग एरिया या सराउंडिंग एलिमेंट्स या सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स से। इसमें सेलेक्टिव परमिएबल एक्टिविटी पाई जाती है, जो ये जिसे जिस मॉलिक्यूल्स या जिस प्रोटीन की इसे नेसेसरी होगी ये उसी प्रोटीन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट अपने चैनल के थ्रू सेल के अंदर एक्सेप्ट करेगी, इसे कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव इसे जो सेलेक्टिव, जो सेलेक्टिव मॉलिक्यूल होंगे उन्हीं को ये अंदर आने देगी। सेलेक्टिव परमिएबल एक्टिविटी हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, कैसे ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करती है, मैंने आपको अभी बताया है कि सेल मेम्ब्रेन में चैनल पाए जाते हैं, चैनल, चैनल, अब ये जो चैनल होता है इसी, ये जो ट्रांसपोर्टेशन, अब मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये कोई दूसरी सेल है, ये कोई दूसरी सेल है, दो के बीच भी चैनल होता है, सेल मेम्ब्रेन में चैनल, दो सेल मेम्ब्रेन के बीच, दो सेलों के बीच सेल मेम्ब्रेन में चैनल होता है जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, तो जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जो चैनल बनता है वो चैनल किसके बीच में बनता है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उस चैनल को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। उसमें क्या होता है, मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स स्थानांतरण होता है, एक स्थान से एक सेल से दूसरी सेल में, वो माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरी सेल में जाते हैं किसी चैनल के थ्रू, जो चैनल होता है उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, और ये किसके बीच में बनता है, सेल मेम्ब्रेन के। तो पहला इंपॉर्टेंस ये हो गया, सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन, ये क्या होता है, सेल सिग्नलिंग, सिग्नल,
सिग्नल आप समझ रहे होंगे, सिग्नल, सिग्नल का मतलब क्या होता है, सिग्नल किसी भी बाहर, कोई भी बाहर एक्टिविटी जो हो रही है वो रिसेप्टर के द्वारा सेल को बताना, सेल तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उसे कहते हैं सेल सिग्नलिंग या सेल कम्युनिकेशन। कहने का मतलब इसमें जो एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर एंड रिसेप्टर, जो रिसेप्टर होता है वो रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, इसके सेल मेम्ब्रेन के, इसमें सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर पाया जाता है जो बाहर की इंफॉर्मेशन या बाहर की जो प्रोटीन होती है उसे क्या करती है, अंदर अंदर ले जा लेके जाती है, उसे कहते हैं सेल सिग्नलिंग या सेल कम्युनिकेशन। इसमें रिसेप्टर पाया जाता है मेम्ब्रेन में, इसमें सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर पाया जाता है। इसका वर्क हम समझ गए हैं, फंक्शन पहला क्या है, बाहर के सराउंडिंग एरिया से अलग करता है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्ट करती है सेल को, सेलेक्टिव परमेबल एक्टिविटी पाई जाती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, सेल सिग्नलिंग या सेल कम्युनिकेशन का वर्क करती है। फंक्शन हम देख चुके हैं, कंपोजिशन देख लिए हैं, आगे देखते हैं मॉडल, कौन कौन से मॉडल हैं सेल मेम्ब्रेन में, कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं देखते हैं। पहला मॉडल है लिपोइडल थ्योरी दी गई थी, लिपोइडल थ्योरी, जिसमें ओवरटन ने 1902 में दिया, ओवरटन ने कब दिया 1902 में, उसने बताया कि इसमें ओनली लिपिड का कंपोजिशन होता, ओनली लिपिड होती है किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। किसने बताया, ओवरटन ने बताया कि सेल मेम्ब्रेन में ओनली लिपिड होता है, क्या होता है, लिपिड, जबकि आप जानते हैं लिपिड एंड प्रोटीन्स एंड कुछ कार्बोहाइड्रेट एसोसिएट होते हैं लिपिड के साथ एंड प्रोटीन के साथ, तो जिससे इनका जो लिपोइडल थ्योरी था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगला हमारा जो मॉडल आया वो आया सैंडविच मॉडल, जिसे हम कहते हैं ट्राई लेमिनार मॉडल, सैंडविच मॉडल या ट्राई लेमिनार मॉडल। इसमें उन्होंने क्या बताया, ये इस मॉडल को दिया किसने, डेवसन ने, डेवसन एंड डेनिल, डेवसन एंड डेनिल ने दिया कब, 1935 में, और ओवरटन ने 1902 में लिपोइडल थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि ओनली लिपिड से ही सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, या सेल मेम्ब्रेन लिपिड से ही बनती है, या लिपिड का मतलब कंपोजिशन होता है, ओनली लिपिड का कंपोजिशन होता है। सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिनार मॉडल दिया था डेविस एंड डेनिल ने, इन्होंने ट्राइलेमिनार मॉडल दिया, ट्राइलेमिनार मतलब तीन परत, इसकी ट्राइलेमिनार, लेमिनार मींस परत, ट्राई तीन परत, किसकी, लिपिड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, पहली बात लिपिड की दो परत उन्होंने बताया, लिपिड की एंड प्रोटीन की बाई लेयर, ये प्रोटीन लिपिड एंड प्रोटीन की क्या होती हैं, लिपिड प्रोटीन बाई लेयर मॉडल भी इसे कहते हैं, जिसमें इसी मॉडल को आगे उन्होंने बढ़ाया। इसमें आप, ये मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, इसमें प्रोटीन की कितनी लेयर होती हैं, देन इसके बाद प्रोटीन और आपका ये लिपिड, तो हम देखेंगे लिपिड की लेयर जो होती है एंड प्रोटीन की जो लेयर होती है। हम थे अपने सैंडविच मॉडल में लिपोइडल थ्योरी, इन्होंने ट्राइलेमिनार मॉडल दिया डेविसन एंड डेनिल ने, इसी को एक वैज्ञानिक है रॉबर्टसन ने इन्हीं के काम को आगे बढ़ाया और बताया कि इसमें जो थिकनेस होती, इन्होंने क्या बताया कि इसमें लिपिड एंड प्रोटीन, ये किसने बताया, लिपिड एंड प्रोटीन का कंपोजिशन होता है किसमें, सेल मेम्ब्रेन में, किसने बताया, डेविसन एंड डेनिल ने। उन्होंने इसका डायामीटर नहीं बताया, क्या नहीं बताया, डायामीटर जो फर्स्ट टाइम इसी, इन्हीं के काम को फर्स्ट टाइम फिर रॉबर्टसन ने आगे बढ़ाया और उन्होंने इसका डायामीटर भी बताया कि इसका जो डायामीटर होता है वो 75 इंच स्ट्रांग, 75। रॉबर्टसन ने इसे 1959 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। आप मॉडल ध्यान रखिएगा, लिपोइडल थ्योरी, ओवरटन ने सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिनार मॉडल, डेविसन एंड डेनिल ने। अब आता है अगेन फ्लूइड मोजेक मॉडल, इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया, सिंगर एंड निकोलसन ने सर्वप्रथम फ्लूइड मोजेक मॉडल जो दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने 1973 में इस मॉडल के को दिया जो वाइडली एक्सेप्टेड था, मतलब ये जो मॉडल था वो वाइडली एक्सेप्टेड था, जिसे एक्सेप्ट किया गया।
अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये है क्या, इसके बारे में जो वाइडली एक्सेप्टेड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या, इसे सेंगर एंड निकोलसन ने दिया 1973 में। इसे डायग्राम से हम समझते हैं। पहले हम जान लेते हैं प्रोटीन लिपिड्स, इसमें किसका किसका कंपोजिशन हमने पढ़ा था, लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का पढ़ा था हमने, प्रोटीन का पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा था, लिपिड ये हमारी फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। एक होता हाइड्रोफोबिक, एक होता हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक और एक होता हाइड्रोफोबिक, होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक जो जल को, जल से जो अटैच हो जाए, ऐसा लिपिड, लिपिड या हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है जो अटैच हो, जो H2O से अटैच हो जाए, H2O से क्या हो जाए, अटैच हो जाए, हाइड्रोफिलिक, जहां फिलिक हो जाए मतलब हाइड्रो के साथ जब फिलिक, कहने का मतलब यह H2O को एक्सेप्ट कर लेगा। और यदि हमारा फोबिया, आप जानते हो फोबिया में डर लगना, किसी को किसी चीज से डरना, हाइड्रोफोबिक मतलब ये जल को ग्रहण नहीं करेगा, H2O से क्या होगा, दूर रहेगा, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफोबिक मीन्स जल से अलग, फोबिया दूर रहना, आपने सुना होगा, फोबिक मीन्स उससे दूर रहना, अलग होना, H2O या H2O को ग्रहण नहीं करेगा, ये H2O को ग्रहण कर लेगा। अब हम इन दोनों टर्म का यूज करेंगे, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, ये ध्यान रखिएगा, ये हेड है, ये टेल है, ये फॉस्फोलिपिड है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये फॉस्फोलिपिड है। अब प्रोटीन, प्रोटीन हमारी दो प्रकार की हैं, पहला पहली है इंटेग्रल, इंटेग्रल प्रोटीन, इंटेग्रल प्रोटीन इसी को हम कहते हैं, इंटेग्रल मींस होता है, इंटेग्रल मींस अंदर की ओर, इंटेग्रल या इसी को कहते हैं इन इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक प्रोटीन, इसे कहते हैं इंट्रेंसिक प्रोटीन, इंटेग्रल प्रोटीन, इंट्रेंसिक प्रोटीन। दूसरा प्रोटीन हमने बताया था अभी, पेरीफेरल, कौन सा, पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल मींस जो किनारे की ओर हो, पेरी मींस किनारे की ओर, पेरी मतलब परिधि की ओर जो हो, किनारे की ओर जो हो उसे पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं। इसका दूसरा जो हम कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रोटीन, या इसी को हम कहते हैं एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। ये आपने नाम जान लिए, मैंने कार्बोहाइड्रेट का बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट में ये प्रोटीन के साथ एसोसिएट होगा, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्लाइको, तो ग्लाइको प्रोटीन, जब लिपिड के साथ तो इसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। अब इसके डायग्राम के लिए, डायग्राम में हम जाते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसे हमें डिस्कस करना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें उन्होंने बताया कि इसमें किनारे की ओर प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन लेयर पाई जाती है, जिसे हम दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, एक होती है इंटेग्रल प्रोटीन, मतलब कहने का प्रोटीन की एक किनारे की ओर या एक किनारे एंड बीच में धसी हुई प्रोटीन पाई जाती है, जो किनारे की ओर जो प्रोटीन पाई जाती है उसे हम कहते हैं
एक्सटर्नल प्रोटीन मतलब पेरिफेरल किनारे की ओर एक्सटर्नल प्रोटीन कहते हैं, अभी मैंने बताया। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या इसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, इसे और क्या कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। कौन कौन सी एक्सटर्नल प्रोटीन आपको मैं ड्रॉ करके बता दे रहा हूं। ये आपको प्रोटीन दिख रही है, ये किनारे की ओर है, इसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सटर्नल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये धसी हुई प्रोटीन है, ये इसमें परत के जो लिपिड्स के अंदर धसी हुई है, लिपिड्स के बीच में है, अंदर की ओर धसी हुई प्रोटीन है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसे हम कहते हैं इंटरनल प्रोटीन, इंटेग्रल प्रोटीन एंड इंट्रेंसिक प्रोटीन। क्या कहते हैं? इंट्रेंसिक प्रोटीन, इंटेग्रल, इंटरनल मतलब अंदर की ओर जो, उसे इंटरनल, इंट्रेंसिक एंड इंटेग्रल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये। इसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, ये है हमारा फॉस्फोलिपिड, जो मैंने अभी ड्रॉ करके आप लोगों को बताया था मैंने, ये है फॉस्फोलिपिड। क्या है? फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड की ये है टेल, ये है हेड। अब जो फॉस्फोलिपिड है, जब वो सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म की ओर जो पाया जाएगा, उसे हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक, क्योंकि वो जब सेल मेम्ब्रेन है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है ये, देख लेते हैं, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, अब यहाँ साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, आप तो जानते हैं ये साइटोप्लाज्म है, इसमें H2 होगा। अब साइटोप्लाज्म का जो ये एरिया, ये तो यहाँ जो हेड होगा, हेड, और ये जो टेल होगा फॉस्फोलिपिड का, ये हेड होगा, ये टेल होगा, तो ये जो हेड होगा, ये हेड से, हेड जो होगा, हेड H2O की ओर होगा, तो जब H2O की ओर होगा तो H2O इसमें अटैच होगा, तो हेड को हम कहेंगे, हेड को क्या कहेंगे, हाइड्रो, जो अटैच होगा उसे कहेंगे हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, इसे कहेंगे हाइड्रोफिलिक हेड। इसे क्या कहेंगे, ये टेल है तो इसे कहेंगे हाइड्रोफोबिक, क्योंकि ये जल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जल से दूर है, उसे कहेंगे साइटोप्लाज्म के अगेंस्ट अपोजिट साइड है, इसे कहेंगे हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल। अब यही चीज डायग्राम में है, देख पा रहे होंगे आप, हाइड्रोफोबिक टेल, ये देखो ये अंदर की ओर है, और जो साइटोप्लाज्म के पास में है, जो साइटोप्लाज्म से जुड़ा रहेगा, जो साइटोप्लाज्म से रिलेट कर रहा होगा जो फॉस्फोलिपिड का जो हेड, उसे कहेंगे हाइड्रोफिलिक, क्योंकि इसमें H2O अटैच होगा, तो इसे कहेंगे हाइड्रोफिलिक, उसे कहेंगे हाइड्रोफोबिक टेल। ये दोनों आप समझ लिए हैं। इसके बाद है कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम स्टेबिलिटी, जिससे क्या होता है स्टेबिलिटी, कोलेस्ट्रॉल जो होता है एनिमल में और जो प्लांट में होता है, उसे कहते हैं हम एर्गेस्टेरॉल। मैं बता चुका हूँ, ये हुआ कोलेस्ट्रॉल, इसे कहते हैं स्टेरॉल, एक स्टेरॉल है, कोलेस्ट्रॉल या एर्गेस्टेरॉल दोनों स्टेरॉल हैं। कोलेस्ट्रॉल वर्क करता है स्टेबिलिटी का एनिमल में, एंड एर्गेस्टेरॉल वर्क करता है प्लांट में। ये आपका ये हो गया। तो एक लेयर हो गई हमारी प्रोटीन की, जो प्रोटीन की लेयर होती है, ये हमारी प्रोटीन की जो लेयर है एक्सटर्नल, एक ये है, एक ये प्रोटीन की लेयर है। इसका जो आपका डायमीटर होता है, हम पेन चेंज कर ले रहे हैं, इसका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20। ये हो गई आपकी जो एक्सटर्नल प्रोटीन या इंटेग्रल, जो प्रोटीन के जो पार्ट हैं, प्रोटीन की एक लेयर ऊपर एक नीचे, ये 20 एंगस्ट्रॉम,
प्रोटीन का जो डायमीटर होगा वो 20 एंगस्ट्रॉम होगा। ये दो लेयर बाई लेयर जो ये फॉस्फोलिपिड है, बाई लेयर फॉस्फोलिपिड, एक लेयर ये, एक लेयर ये, इसे कहते हैं फॉस्फोलिपिड, दो लेयर बाई लेयर फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, ये होती है 35 एंगस्ट्रॉम की। अब आप देख लीजिए 35 एंगस्ट्रॉम आपका लिपिड हो गया, 20-20 की आपकी प्रोटीन्स हो गई, तो ये होगी 40। अब 40 प्लस 35 75 एंगस्ट्रॉम, तो सेल मेम्ब्रेन का जो आपका एवरेज जो डायमीटर होता है वो 75 होता है। कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम। आपने देख लिया, पहले आपने देखा सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, फिर आपने उसका फंक्शन देखा, देन उसका आपने कंपोजिशन देखा, उसके बाद हमने उसके टर्म, कुछ किसने कौन कौन से टर्म दिए वो हमने डिस्कस किया, मॉडल डिस्कस किए हैं, कौन सा मॉडल किसने दिया। तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे संबंधित जो भी आपको कंफ्यूजन होती है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप CSA बायोलॉजी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।